जितना भी है ना सारा वो अच्छे सामान बता रही है। 15,000 के लपेट ये वाली सबसे बड़ी बड़ी एलईडी 21,000 का है। शादी की शॉपिंग और ये बिल देखो कितना। इनमें से हमने कोई सी एक एसी डन कर दिया। अब लेंगे एसी। 1.5 लाख की फ्रिज पसंद आ रही है तुम्हें? ये हीटर वाली है तो ये जाएगा कम से कम 42,000। सिस्टर की शादी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने। अलहमदुल्लाह सारी शहरी लग चुकी है। माशाल्लाह कितनी रौनक आ रही है आज की शहरी में। ये है अम्मी ने भाई दाल गो एंड बूंदी का रायता है और ये है मलाई टिक्का जो ठंडा हो चुका था अम्मी ने से गर्म करा था उसका। उसके बाद में देखने में मलाई टिक्का नहीं लग रहा, पता नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोरमा नहीं होता वो बर्फ जैसा जम जाता, सेम टू सेम वो लग रहा है। अच्छी आज जब भी ऐसा लग रहा है भाई क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं यार, अभी बाहर चेक करा गया हूँ, अगर चेक कर गाऊँ बाहर अगर अगर लेवल पड़ा हो फिर हाँ फिर मान जाऊंगा, देख कर आऊँ देख कर आऊँ। चलो भाई अभी चलते हैं, तुम्हें देख कर ही आता ओके, अगर नहीं हुआ ना फिर देखते हैं। उबे हाँ भाई देख लो सबूत रख रखा है, मुझे लग रहा है तुमने इसलिए सबूत रख रखा होगा कि मैं चक्कर हुआ है ना अम्मी। अब बता अरे अब क्या कह रहा हूँ, अब तो तुम जीत गई इसलिए ही विश्वास करना चाहिए इंसान। अच्छा चलो ट्रस्ट कर लेते हैं। अभी मेरा फोन का देखो 4,000 लगा पड़ा इसमें गिर जाता। हमारे अब्बा जान वो हमारे अब्बू जी कहते थे हर हाथ में हाथ हर हाथ मिलाने वाला एक तो हक लाता हर चीज में अपने मिलो रहा है तो कहाँ से बनाऊं। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी बोला छत्तीसगढ़ तो कट मारेगा। चल लगा ये आपके बोले ले बोलियो आना। हमारे अब्बू कहते थे हर हाथ में लाने। अबे मैं कह रहा हूँ अगर हकला हुआ इंसान है हकला हुआ। हमारे अब्बू कहते थे हर हाथ मिलाने वाला भाई नहीं होता। और ये तो हर, बात और उसका ये बात हकीकत है। अच्छा ये बात तो है हाँ, ट्रस्टेड भाई वेरीफाइड करते हैं, इसे ऐसे बहुत आगे तक पहुंचाने चाहिए। कोर्ट में हम इसका केस दर्ज करेंगे और इसे हाई कोर्ट में आवाज पहुंचाएंगे। हमारी आवाज को बुलंद करो गाइस, वीडियो शेयर करो। आपकी बात सही है, आपकी बात दिल्ली तक जाएगी। ओके भाई नहीं दिल्ली नहीं थोड़ा बाहर सिकंदराबाद तक भेजी जाए हमारी। सिकंदराबाद अम्मी भेज सकते। अरे यार अम्मी कुछ लेफ्ट लेटर फब लेटर भेज दिया जाए। मैंने एक बात बताऊं? नहीं मत बताओ। मैं लड़का भी है। मैं लड़का हूँ। ओ भाई वो अम्मी का लड़का तो पता जी लड़की थी। अरे मैं नहीं मैं पूछ ही नहीं रहा। सुन ले बस। चलो तुम्हें लड़का भी है, तू मेरा भानज जमाई भी है। भानज अरे नोकी भाई कौन से देश से पैदा हो गई है? एक तो ये पता नहीं कहाँ से रिश्ता पता नहीं कौन से रिश्ता जुड़ने लगती है, मतलब कौन से रिश्ता जहाँ से पैसा आता है वो वाला रिश्ता बना देती है। खाला मैंने तो दिमाग लगाया था। चलो सही अब तो तुम खाला हो मेरी। अरे यार तुमसे क्या बन रहा है। और हमारे हुरू ने भी देखो अपनी शहरी कर लिया। चलो गाइस फटाफट से करते हैं अपनी शहरी। हाँ जी व्हाट इज दिस हेलो ही वो छी हो छी। इस सिस्टर के पास आया था खाना खाने के लिए और गंजे मुर्गी चोर ने देखो भाई गाड़ी यहीं पर खड़ी करी है और घूम भाम के यहीं खड़ी करते। गोदाम के अंदर क्यों नहीं करी तूने? ताला लग रहा है। चाबी नहीं तेरे पास? यूं ही खड़ी करके चला गया भाई, अगर चोर जाते तो क्या होता? किरीम को ज्यादा ही लग रहा है। हाँ भाई रियान माशाल्लाह किरीम देखो कितने साल लग रहा, कितना बढ़िया रौनक आ रही है उसके चेहरे पर। और अभी तक जो जो काला है ना, मैंने एक गलती कर दी, मैंने क्रीम लगा के ना फोन चलाने लगा तो मेरे दाने आ चुके हैं। तो जो जो हमारी क्रीम लगा रहा है ना वो लगा के ना फोन मत चलाना कभी भी, वरना मेरी तरह दाने आ जाएंगे। देखो मेरी चप्पल लेकर फील लेता रहता भाई, नई वाली पहनता कभी मेरी व्हाइट वाली पहनता, सारी चप्पल है ना मेरी पहनता। अभी हमारी क्रीम ऑर्डर नहीं करी है, फटाफट से क्रीम ऑर्डर करें। यहाँ पर और वाली आइडिया आ रही है आपको, दिन वाली और रात वाली साबुन और आड़ चाहिए भाई आपको और वाली आईडी पर पता लग जाएगी, रेड पेंट जो भी सीना है। तो मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ गोदाम के अंदर और हमारी हुर्री देखो ओए कैसे फील ले रही है, मेरा बाबू छोटू सा बच्चा बीच में बैठ के। अरे क्या कह रहे हो प्लीज में हाई छी छाँ छाँ मेरे। अच्छा हाँ समझ गया क्या कहना चाह रही है, हाल चाल पूछ रही है सिस्टर के। भाई चलो शेरी कर लिया माशाल्लाह से, नीचे हम टेन फेल के भी आ चुके हैं बिल्कुल, हाजमे हो चुका जितना भी खाया था, पर अभी शेरी खत्म होने में टाइम है थोड़ा बहुत। पर मैंने अपना स्टॉक के लिए दही का कप बचा रखा है और अम्मी से कटवाऊंगा तरबूज, क्योंकि तरबूज खा के ना वाटर मेलन वाली फील आती है, अच्छी फील आती है। अम्मी अम्मी तुम्हारा फोन चला रही देख लिया हमने। मैं कह रहा हूँ अम्मी से नीचे टेल लो तुम्हारा खाना आना फट जाएगा। अम्मी कह रही नहीं बेटा हमारा वैसे भी बैठे बैठे फट जाएगा, फोन चलाते चलाते फट जाएगा जितना भी है। आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग के अंदर गाइस, वीडियो को लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये जी हो गई है मॉर्निंग, अभी हम नमाज पढ़कर आ चुके हैं जोर की और मैंने ले लिया कार की चाबी एंड घर की चाबी। मैंने एक ही सामान क्यों लिया है, गंजा मुर्गी छोड़ दो यहाँ पर, ये सोरा बेहोश हो गया उठ ही नहीं रहा, हमने से कितना उठा लिया है। हम जा रहे हैं आज सिस्टर की शादी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने। यार मेरे गले को क्या हो चुका है, जैसे बोल रहा हूँ ना अटक जाता, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, विक्स की गोली लो रोजा खोलने के बाद उसके बाद ठीक होगा। सिस्टर को कितनी जल्दी हो रही है, सबसे पहले सिस्टर नीचे उतर गई है। धूम दो कितनी खतरनाक निकल रही है भाई, सच बता रहा हूँ बहुत खतरनाक है हवा, तो भाई सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, तो नाम की हवा चल रही है, ये तो बक्का
गंगा वाली हवा चल रही है, वैसे बहुत गर्मी हो रही है, पसीनों में तर जाता हूँ मैं। अपनी डे वाली क्रीम लगा के आ चुका हूँ, मुझे पता है धूप निकल जाए तो अपना फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, कितनी धूप में हम खड़े हो जाए, कितनी देर खड़े हो जाए। और यहाँ पर देखना से उगाड़ दी कितनी मट्टी हुई, देखो वैसे देखो बिन तिरपाल उगाड़े इतनी मट्टी उड़ने लगी अंदर। यार मुझे सफाई तो होगी नहीं, मेरे से रमजान लग जाएगा धूप क्योंकि कितनी बुरी हो रही है, इतनी बुरी हो रही है। यहाँ से लेके देखो इस साइड से भी सनी पड़ी, पर नहीं कहाँ से आती है, मैंने इतनी बार तो धुलवा लिया, साफ करा लिया। तिरपाल के अंदर पता नहीं कोई से कीड़ा लगा पड़ा जो मट्टी दे देता है, अभी टेम्परेली साफ कर देता हूँ, उसके बाद जब कहीं जाएंगे ना अच्छी तरह से धुलवा के ले आऊंगा। और बेक कराओ कितनी कितनी सी जगह बची हुई है कार में, हो गई बैग। अब चलते हैं और यहाँ गंजा मुर्गी चोर उठा दिया हमने, कभी सोता ही नहीं। तो अम्मी भी आ चुके, यहाँ पर सिस्टर भी आ चुके, हम सब चलते हैं। किस साइड जाना है अम्मी? कांतिनगर जाना है। ओए होए, मतलब क्या क्या सोमी का दहेज का सामान है ना, जितना भी आएगा ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो मतलब आज लेकर आना है तो हाँ। ये देख कर आना है कुछ नहीं लेके। चलो भाई सही है, और बुकिंग करा देंगे, वो तो खुद ही आ गए ना जब हमें चाहिए होगा। कांतिनगर जा रहे हैं, सारा दहेज का सामान है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान लेकर आ जाएंगे। और एसी चला लिया, अब सही लग रहा है, इन दो मुंह पसीना पसीना हो चुका है। और अब देखते हैं वहां पर जाके हमें क्या पसंद आता है, क्या क्या चीज होती है, और वो तो आपको पूरी वीडियो देखने में पता लगे, पूरी वीडियो देखते रहना। चलो जैसे घर से बाहर निकलो, और यहाँ पर इतना ट्रैफिक टोटली बैटरी रिक्शा, देखो एक ये कट मार के आ गया, और आगे टोटली जितने भी दिख रहे हैं बैटरी रिक्शा ओनली। फाइनली शोरूम पर, तो यहाँ पर 5-6 शोरूम है, जो जो शोरूम पर अच्छा लगेगा ना वाले शोरूम से ले लेंगे। जो भी पसंद आता रहे ना बताते रहे ना, हाथ वाले हाँ मैं पता भी बोलो कि नहीं बताओ। जब तुम अपनी पसंद का नहीं चाहिए था तुम आई क्यों? क्यों लाई जबरदस्ती? रोजा लगने लगा, अरे जाग से लिया, हम तो डेली धूप में रहते हैं, हमें नहीं लगेगा तो जब भी तो महसूस रोजा लगने ही रोजा कहते हैं। यूं नहीं घर में पढ़े लेके नमाज पढ़ते डायरेक्ट सो जाओ, पर 5 बजे उठो डायरेक्ट। अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड में, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रिज ऊपर की साइड रहेगी। सिस्टर सच्चे ऐसे मतलब कूलर ले लो तुम अपने लिए, ठंडा ठंडा कूलर है, बर्फ डाल के सोया करो, मजा आ जाता है कूलर की हवाओं में। मुस्सर ओफो 2 दिन की एसी में सोने वाली। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम समझती नहीं हो मेरी मजाक को। यहाँ पर हम पे देखो ऑप्शन किसमें, सिंगल डोर में ये वाले में आए थे, देखो छोटी आ जाए, छोटी 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 सारी इस लाइन में लगी पड़ी हैं, और हमें चाहिए बड़ी वाली में, वो डबल डोर में जो अच्छी वाली क्वालिटी हो, जो बिल्कुल ही बर्फ हो जाए। कई बार हमें क्या होता है फ्रिज के लिए ना बार बार हमें ऊपर कर लेते हैं, लेकिन हर चीज के लिए नीचे झुकना पड़ता है, किसी किसी के बहुत ज्यादा पेन भी रहता है कमर में। इसमें क्या है कि ये चीज नीचे ही कर दी है, कि बर्फ जमाने वाला आइटम नीचे कम यूज होता है बर्फ का यूज, और ये है सारा आपको रखने वाला। ये भी अच्छा लग रहा है, अंदाजा ये लेके चले हैं तो ये जाएगा कम से कम 42,000 है इस तरह से, या ऐसे चलेगा डिजाइन तो कोई सा भी चल जाएगा। कम पे ये वाला ऑप्शन है फूल वाला, जिसमें सैमसंग का है, और इसके अंदर देखो अंदर से कुछ इस टाइप में है, और यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ इस टाइप में रहती है, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा 2024 का ही मॉडल है, नया आया है। वहाँ पर अम्मी अब्बू देख रहे हैं, यहाँ पर सिस्टर और मैं देखने लगे हैं कि कौन सी पसंद आती है। अब ज्यादा बड़ी में चाहिए तो ये वाली आती है, ये बात इस साइड की, बताओ किस साइड में पहुंच रही है ये वाली, 1-1 लाख की फ्रिज पहुंच जाएंगे अगर तुम्हें चाहिए हो तो। तुम्हें बताओ है बजट तुम्हारा 1 लाख का? पापा का जो पसंद आएगी ना पहली बात तो वाली लेना है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन लगे पड़े हैं, जोन सी सिस्टर मैं तो हिल गया ये वाली देख कर, देखो कितनी प्यारी प्यारी फ्रिज लग रही है, ये तो अलमारी सी लग रही है। उधर बर्फ वाली फ्रिज भी रखी दो गाइस, जिसके अंदर आइस बन के आ जाती है ना, यूं गिलास रखो टड़ा टड़ा टड़ा। 1.5 लाख की फ्रिज पसंद आ रही है तुम्हें? नहीं, फिर अच्छा अच्छा सॉरी मैं समझ पसंद आ चुकी। और ये वाली फ्रिज देखना इसके अंदर तो मैं दिख रहे हैं, एक बार खोल के देखता हूँ। ओए होए 1,13,000 रुपए में भाई, भाई साहब है तो बढ़िया, पर इसके लिए घर भी तो होना चाहिए 1 लाख वाला, जो जैन मैन हो हमारे तो घर में रखते, इसमें धड़ा फोटो बनाने लगेगा कोई, इसमें रील देखने लगेगा। नहीं बढ़िया चीज है ये वाली भी, 1 लाख वाली फ्रिज कोई बात नहीं। अभी और ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ना आंटी हमें ऊपर ही लेकर आ चुकी है, इतनी बड़े खजाने में अंदर यहाँ पर सामान बहुत सारा मिल रहा है। हमने एक फ्रिज डन कर दिया यहाँ पर फाइनली, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, इतनी अच्छी लुक आ रही है। हमें ब्लैक वाला नहीं, अम्मी बताऊँ कौन सा कह रही थी, पहले वाले कह रही थी सैमसंग का, पर यार मुझे इसकी लुक भी अच्छी नहीं लग रही थी, और थोड़ा मट्टी मट्टी कलर लग रहा है, उसके अंदर देखना ऑप्शन कुछ भी नहीं है, तो मैंने यार तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया, मैंने कहा ये बेकार है, बिल्कुल कैंसिल करते हैं। और जो मैंने अपनी पसंद है भाई दिखाई है ना सिस्टर को, हो इतनी प्यारी लग रही है, उसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, बस वो आपको जब भी दिखाई लगेगी। अभी मैं आपको सिर्फ बता दूं हमने एक फाइनली फ्रिज कर दिया। ऑप्शन आते हैं मशीन के ऊपर, मशीन में चाहिए सिस्टर को कपड़े धोने आएंगे ना, LG की आपको कितने चाहिए? 8 की हमारी कौन सी है? हमारी 7 साढ़े 7 नहीं, कौन सी कंपनी है? LG LG है आई थिंक हमारी भी, ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, जो जैन मैनो बिल्कुल बुरा रगड़ना नहीं पड़े, और आराम से कपड़े धोती रहे दिन।
कपड़ा धोना ही नहीं आता, कपड़ा धोना नहीं आता। अम्मी सिखाएंगे, टेंशन ले रही, अम्मी तुम्हें सिखा कर भेजेंगे कपड़ा धोना। पुराना डिजाइन हो गया जिसके बटन इधर थे ना, वो पुराना, आप सभी के जितने भी है टच पैनल वो आगे का, और इसको दोनों तरीके से चला सकते हो। अगर जैसे टच नया यूज हो रहा हो तो आप इसको अपने जैसे मैनुअल चलाते ना वो वाली, अपनी मर्जी से पानी ले लिया, अपनी मर्जी से डिटर्जेंट डाल दिया, अपनी मर्जी से सारा कुछ करा, तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हो। ये 9, 10, 11 ये उस तरीके से चला सकते हो कि भाई मुझे इतनी देर के लिए भिगोना है, इतनी देर के लिए धोना है, तो ये उस तरीके से भी। और फुल्ली ऑटोमेटिक भी है, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक करनी है जो भी करोगे, मान लो मुझे लो धोना है, मीडियम धोना है, हाई धोना है, वो भी चाह रहे। अच्छा। ये टर्बो है, 2 किलो तक के कपड़े आप 15 से 10 मिनट में धो सकते हो। जैसे बच्चों की वर्दी है जल्दी धोनी है, 2 किलो ये मतलब कम ही कपड़े हैं, तो आप इमीडिएटली इस बटन को दबाओगे तो वो जल्दी से 14 मिनट में आपको साफ करके देंगे। तो ये वाला तो फिर फायदा है अम्मी, है सिस्टर ये वाली सही, तुम लगा के बोल जाना कि हाँ 14 मिनट तक खुद ही बंद हो जाएगी, टाइमर लगा के अपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये वाली 7.5 किलो की है, ये हीटर वाली है, इसमें हीटर भी आपका। कभी कभी ऐसा होता है घर में कई बार एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं, इन्फेक्शन है, खुजली हो गई है, तो उन कपड़े हम गर्म पानी में धोने को बोलते हैं डॉक्टर। तो इसमें क्या है, हीटर है आपका, इसके अंदर ही हीटर लगा हुआ है, वो हीटर से आपको गर्म पानी में कपड़े धोने से वो जंग नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा। ये यूँ कह रही है वो कौन से हमारे LG हाँ ये तो लग रही है LG जितनी मैंने हमारी सारी LG की है, स्मार्ट इन्वर्टर वाली LG है। ये भी हमारी ना कुछ अलग लगती है, हमारे बटन जो होते हैं यहाँ पर, ये न्यू वर्जन में आई है, दोनों के बटन यहाँ पर आ चुके हैं। 7 किलो दोनों के ड्रम देखोगे ना सेम ही लगेगा। कौन सी वाली वाली पसंद आ रही है, क्या तरीके से गेट भी नहीं गिरेगा इसका, ये वाली देख लो, ये वाली अच्छी लग रही है, कलर में उलझेंगे भी नहीं, जैसे कई बार कपड़े आपस में उलझ जाते हैं ना वो नहीं उलझेंगे। ये वाला देख लो ना, मैं वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है। और इधर तुम्हारी वाली पसंद क्या आ चुकी है, जिसका ऊपर ये मीटर लगा पड़ा है, तो ऐसी है हमारी। अभी हमने यहाँ पर दो चीज बिल्कुल फाइनली डन कर दी, एक मशीन कर दी, एक फ्रिज कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन जो भी सामान है ना वो सारा नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाली मशीन है भाई, जो गोल वाली होती है ना, इसके अंदर तो मैंने टीवियों में देखी है यार, ये खुलेगी कैसे, यहाँ से खुल चुकी है। ओए हो, यहाँ पर कपड़े डाल दो, पर ज्यादा कपड़े इसके अंदर आएंगे नेसेसरी, इसके अंदर थोड़े बहुत ही आएंगे, तंदूरी सी लग रही है थोड़ी थोड़ी, पर इसके अंदर ना इतने सारे मोड है ना यहाँ पर, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी वाली है। पर यहाँ पर 3 जोड़े आएंगे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भैया, छोटी है वाली, थोड़ी सी जो हमने लिया ना वो अच्छी है, अपना भरा यहाँ पर जो इसका मोड 40 का पड़ा है वो है अपने आप ही, आप खुद ही धुल जाएगी ना, पाइप से डलता है। इसके अंदर 8 किलो की है। चलते हैं, दो चीज हो चुकी है यहाँ से डन। अब अपनी आपके लेना, आप क्या चॉइस पसंद है आप तुम्हारी, नीचे चलेंगे ना जब देखूंगा। चलो ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जो तुम और कुछ पसंदीदा हो। तू ही वाली ले, तू धो ले कपड़े। नहीं नहीं नहीं, हमने अच्छी, हमें सस्ती वाली दिला रही हो, खुद महंगी वाली ले रही हो। अरे यहाँ पर आने बिल्कुल सुकून से मिल रहा है, एसी चल रही है और यहाँ पर इतनी सारी एसियां लग रही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसी, थोड़ा तेज बोला, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, इससे अच्छा तो बोलो मैं, तुम बिल्कुल ही चुप हो जाओ। अब लेंगे एसी। हाँ अब आए ना, गुड लुक तो सबसे अच्छी वाली हो, जो बिल्कुल दिखा दो, कोई नहीं बाद में रखेंगे वो कह रही है मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल ही 1-2 लाख वाली ऐसी नहीं, हमने की नहीं, यहाँ दिखा दो जो भी हमें पसंद आ जाएगी हम वो वाली बाय कर लेंगे यहाँ से। पर एक वोल्टास की आती है, एक डेकिनी आती है, सैमसंग आ जाती है, तो देख लो कंपनी तो यहाँ पर भी काफी लग रही है। और एसी में देखो कितनी बड़ी है, वो विंडो वाली भी ऐसी लगी पड़ी, ये वाली नहीं, इससे ना भाई दीवार में छेद करो फिर इसके अंदर लगाओ, बहुत सिस्टम होता है, कितनी बड़ी भी है। और ये वाली सिंपल रहती है, अपने दीवार के ऊपर टांग दो। तो इस वाले में हम ऑप्शन में जाते हैं, अब देखते हैं कौन सी अच्छी होती है। तो अभी यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, हमें अच्छी दीदी मिल चुकी है, सही हमें वो दे रही है सलाह कि हाँ ये वाली ले लो। तो देखो ये वाला ऑप्शन दिया इन्होंने, कितने स्टार का है, 3 स्टार है। आज हमने डेकिन की एसी बिल्कुल डन कर दी, उन्होंने बताया इससे बढ़िया एसी नहीं है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। और हमने क्या क्या तारीफ करी है उन्होंने, जैसे की एक बार लगा लोगे ना मतलब बहुत दिन को नहीं मड़ जाओगे। अच्छा, और तो हाँ ये भी पूरी साल की सर्विस तो होती है, मगर वैसे सही है, सही है पसंद आ गई ना। चलो ठीक है, बढ़िया है। इनमें से हमने कोई सी एक एसी डन कर दिया, तो गर्मी में भी आ सकता है। हाँ हम आ सकते हैं, हमें तो बहाना चाहिए आने का, बस समझती नहीं है सिस्टर। गाय हम परेस भी यहीं से ले लेते, हमें पता नहीं थी कि यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया परेस है। हमने ना पहले परेस ले ली थी कृष्णा नगर की साइड से, तो देख लो ये कितना बेहतरीन परेस मिल गया, नौ की लुक देख रहे हो कितनी ओपी ओपी आ रही है। तो परेस भी तो बहुत अच्छी लग रही है, तुमने तो पर पहले बाय कर ली या नहीं करी, अभी नहीं करी तो परेस भी देख लेंगे ना, पहले तो आपके आपके चीज का ऑप्शन लेना है। अच्छा माइक्रोवे, ओए होए, तो मतलब कौन सा चाहिए, कुछ सोच रखा है, गाजर का हलवा मत देखो, देखो कोरमा बिरयानी वाला अपना। अच्छा तो देखो ये वाला देखा, इसके अंदर हमें क्या मिलती है, एक स्टील प्लेट मिलती है और एक स्टील की, और इसकी थोड़ी सी लव लेटर मिलता है, पर ये हमारा काम करनी है लव लेटर।
यहाँ पर ऑप्शन तो भाई काफी सारे हैं, पर हम देख देख के कंफ्यूज रहते हैं। दीदी बताएंगे हमें कोई, आप कौन सा लो बेस्ट, वो डील बता रही है हमें, और डील के साथ माइक्रोवेव सामान इलेक्ट्रॉनिक जितना भी है ना सारा वो अच्छे सामान बता रही है। कहाँ चले गई? 15,000 के लपेट में आया था, तो यहाँ पर ना सबके लिखे पड़े हैं हमारे पे 21,000 का आया वाला माइक्रोवेव। अरे छोटे अच्छा ये वाला न्यू लॉन्च हुआ है और इसका है 18,490 रुपए। भाई है क्या इसके अंदर 18,000 रुपए में? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर ये है ना देखो, इसके अंदर क्लॉक डिनर बहुत सारे इसके अंदर ये मोड दे रखे हैं, हर चीज के जैसे रेट वैसा काम देख लो। इसके अंदर दो ये फ्री देते हैं और इसके अंदर भी कुछ होएगा और ऑफर फोफर मिलेगा तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। पर यार इसकी ना लुक इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी मुझे इन जैसों की लग रही है। पर यहाँ पर कितना शोर हो रहा है यार, हंसा याद है शोर हो रहा है, देखना पूरा शोरूम भरा पड़ा है और भड़ 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 आवाज नहीं आ रही। 14,000 से कौन सा ले लो? देखो छोटे वाला ये लग रहा, जो तुम्हारे हमने फ्रिज लिया ना वो इसमें शाइनिंग जैसे, तो ये वाला ऑप्शन चले जाओ, चिकन भी हो जाएगा उसके अंदर। जी गाइस मेरा कुछ फायदा तो हुआ यहाँ पर, ये वाला हमने फाइनल कर दिया। मैंने सिस्टर को समझाया, मैंने सिस्टर ऐसे ऐसे ले लो, मैंने कि जितने ऑप्शन में यहाँ पर देखोगे ना उतने कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ना तुम ले पाओगी। तो सिस्टर कही हाँ सही कह रहा है, तो ये वाला हमने डन कर दिया। देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और सिस्टर को एक ये भी चाहिए था, पर ये ना थोड़ा महंगा दिखा रहे हैं यहाँ पर, 10,500। सिस्टर कह रही है मैं ऑनलाइन करके मंगा लूंगी, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है और रेट भी सही मिल रहे हैं। और अब आ जाते हैं हम फिल्टर की दुकान पर, तो यहाँ पर देखो फिल्टर कैसे कैसे लग रहा है। प्योरीफाई देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे मिले हैं। एक ये वाला मिलता है मैट वाला, वाइस नो की लुक बहुत प्यारी प्यारी लग रही है। और कॉलिंग का ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पर, वो कुछ इसका सिस्टम होएगा। जैसे यहाँ पर फोन भी मिल रहा है, फोन भी चाहिए तो सिस्टर बता देना, फोन भी ले लेंगे। अरे अम्मी तुम तो ऐसे ही देखे जा रहे हो, मुझे तो क्यों जरूरत है, मेरे पे तो है, हम पे भी है दोस्तों, 2 सेंचुरी आ गए। और देखो मैं कह रहा हूँ सिस्टर से ये वाले स्पीकर ले लो, और इसका रेट है 40,000 रुपए। सिस्टर क्या हुआ? हाँ सॉरी मैं मजा कर रहा हूँ, मैंने रेट देखा था बड़ी महंगी, पर इसके अंदर ना बहुत ही प्यारा सिस्टम और साउंड और बेस तो किल खतरनाक होंगे। और एक ये वाले भी सोनी के आए थे, इनके हैं 12,500 प्राइस। बेकार है इंच तक फिर ला बाहर से जाओ, अपने एलईडी में गाने आएगा उसमें डीजे वगैरह तरह नाते रहो। और हम अब्बू का वेट कर रहे हैं, अब्बू पता नहीं कहाँ से लेना, अम्मी कॉल कर रही है आ जाओ जल्दी से क्योंकि बिल बनवाना है। हमने यहाँ से 5-6 सामान ले लिया, जो थोड़ा बहुत सामान है ना वो हम किसी और की शॉप से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन अलग है, जो हमें चाहिए वो वाला अलग था दूसरी वाली शॉप पर। यहाँ पर एलईडी में देखो ऑप्शन कितने प्यारा प्यारा है और इतनी बड़ी बड़ी है ना, सच बताऊँ देखने वाली कितनी बड़ी, और सबसे बड़ी आई थी उस कोने में वही वाली सबसे बड़ी बड़ी एलईडी, कितनी प्यारी लग रही है। अगर इसके अंदर मेरा व्लॉग चलाया भाई क्या देखने मजा, और क्वालिटी दोनों का 8K 4K UHD भाई सब बहुत दिलदार है। अभी बनवाना है बिल बनाने का टाइम, तो यहाँ पर बनवा लेते हैं बिल। हमने वैसे ये वाले शोरूम आके बिल्कुल फायदा हो चुका है, तो हमने हम जैसे दूसरे की दुकान पे थे अलग अलग में, तो हमें काफी टाइम वेस्ट होता है। पैसा तो खर्च हुआ नहीं वो बता रहा हूँ, जैसे हमें भाग दौड़ नहीं हुई अब रमजान रोजे के अंदर बड़े हमें कह रहे हैं शोरूम बहुत महंगा है, पर हमने क्या करा महंगा सामान ही लिया। शादी तो एक ही बार होती है ना सिस्टर, क्या बता बीच ऊपर ना करके देख इनके यहाँ बड़े जी खुश होना, बस ये देख लो लड़की खुश होना चाहिए, हम तो खुशी हैं, खुशी रहते हैं, गम में भी खुशी है। बिल बनने को दे रखा है, जो हमारा थोड़ा बहुत सामान रह गया था ना वो हम जाएंगे पीछे की साइड लेने, वहाँ से सारा सामान ले लेंगे, तो फिर मतलब पूरी दहेज का सामान आ जाएगा, थोड़ा बहुत और रह जाएगा। क्यों खुशी का लड़की को ना सामान दिलवा रहा हूँ, मतलब शादी के लिए मेरी लड़की भी दाखिल। और ये बताओ तुम ये थैला क्यों नहीं दे रही हो मुझे? ना भाई मैंने थैला दिखाना, अपनी क्या कर रही हो दिखाई नहीं, अब तैयारी लाइन पकड़ो, अब तैयारी नहीं हो सकती, दिखाओ तो इसके अंदर है भाई रोकड़ा दे नहीं रही है। चलो दिखाना जरा दिखाना, बैंक नाम की कोई चीज है क्रेडिट कार्ड से करेंगे। अच्छा ओहो दिखाना एक बार, मैं वाली अफ्तारी चलो मैं भी तो कर लूँ, वाला कार्ड जो होता है वन कार्ड करते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पेमेंट कर देंगे सारा सामान, फिर आज पहुंच जाएगा या कल पहुंचेगा? आज पहुंच जाएगा, तो फिर अभी से रखवा देंगे हम सारा। हाँ कितने गए ईद के बाद इंशाल्लाह शादी है सिस्टर की शादी के ब्लॉग देखना भाई, कितने बेहतरीन बेहतरीन आने वाले हैं। जितने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, ठीक है ना अम्मी, मजा आएगा। देखो उसके अंदर मशीन के अंदर से कैसे बिल निकले जा रहा है, इतना लंबा बिल हो चुका है निकलना। अच्छा इतने में रुक जा, तुम मत छेड़ो कभी, वो कट फट जाए। आज हमने कर ली सिस्टर की शादी की शॉपिंग, और ये बिल देखो कितना लंबा बिल है भाई साहब, इतना लंबा बिल है, इतना बिल के साथ हमने हंसी ऊपर की अंदर की बता दो, रोजा लग रहा है आज, रोजा लग रही है। हमें कम से कम 2 घंटे लग गए, 2 से और ज्यादा 3 घंटे लग चुके हैं उसका बिल बनाते में, वाला सामान ना फाइनली हो चुका है, बहुत बड़ा था ना तो थोड़ा उनमें टाइम भी काफी लगा, तो हमने एक चीज और देखी है यहाँ पर, ये फ्रायर है। आप जो भी चीज सिलेक्ट करेंगे
तो अपना के टाइम और टेम्परेचर ले लो, यहाँ पर आ जाएगा जितना भी सब चीज होगा, जब इसकी डिस्प्ले ऑन होगी और आई कॉन्टेक्ट में ऐसे करके करो। इसका फायदा है कबाब वबाब बिना कबाब वगैरह ना बिना उसके बना सकते हैं। देख हल्का सा तेल पे लगा दो, बटन दबा के खोलो और यहाँ पर आए। वो हाँ ये भी अच्छा वाला है, देखो 90% ऑयल लेस से बना। अरे वाह जी वाह, तो हमारे घर के लिए भी ले लो, फायदा मजा आएगा। ये भी डन करें, तो एक हमने ये भी डन कर दिया, चलो ये भी ठीक है। मिक्सी और देखी थी तो यहाँ पर देखो उसकी रेड कलर भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी वाली है। बता रहे भाई हल्दी फल्दे सब पिस जाएंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हम भी यहीं से ले आएंगे। हाँ हर चीज पिस जाएगा, जो जो कह रहे हैं देखना हमारी वाली कितनी अच्छी वाली है, दिखाना। हाँ अरे भाई दिल खुश हो गया, हर चीज पत्थर किसी का मार दिया तो मर हो जाए। नहीं मानना नहीं है, हमें बस गोश्त वोश्त पीसना है, कीमा कबाब पकड़ा इसके काम में आ जाए, जो अपने गोश्त वोश्त मार दिया ना तो बेहोश हो जाए। नहीं नहीं चलो भाई, दिल को सोच चुका, अम्मी की फेवरेट वाली मिक्सी मिल चुकी है यहाँ पर, भी मिक्सी भी देख ली वो ये वाली है, तो एक वाली डन कर देते हैं। ये वाले अच्छे वाले तो इसका रेट ज्यादा है, चलो तो फिर ठीक है यार डन कर दो। हम घर ही जा रहे थे, यहाँ पर पांच छह चीजें हमें और अभी एक्स्ट्रा पसंद आ चुकी है। एक एक इसके अंदर भाई हरा धनिया प्याज का जो 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 होता है ना सारा सामान बिल्कुल कड़िया कबाब बनाए। सिस्टर बढ़िया है तो इसलिए हमने स्पेशल ऑर्डर दिला दिया जी भाई, डिस्काउंट दिला दो आप हमें। इसलिए हम अच्छे अच्छे सामान दिला रहे हैं। 8 बजे देख लियो अपने शोरूम का पूरा प्रमोशन हो गया मेरा। तुम बकरे जाओगे? अच्छा देखते हैं बच्चे। अरे बढ़िया है फिर तो ठीक है, तो चलो भाई ना हमें काफी अच्छा डिस्काउंट दिलवा दिया इन्होंने। हमने एक प्रेस भी बाय कर लिया, माइक्रोवेव बाय कर लिया, अरे वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, देख लो मैं जाते जाते 3-4 चीजें और एक साथ हमारी सामान और कहीं जा रहे हैं। पैक हुए हुए हैं आपके, बस इनको बस रखना है। ठीक है चलो आप रख दो, इन्हें तो हम अपने साथ लेंगे, जो बड़ा बड़ा सामान है वो कल आ जाएगा। ठीक है ना भाई? ठीक है, तो भाई जो छोटा सामान है अपने साथ लेंगे, जो बड़ा बड़ा सामान है ना उसका ओरिजिनल बिल कल कटेगा, तो वो कल रिक्शे से भिजवा देंगे डायरेक्ट हमारे घर पर। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम खत्म हो चुका, बहुत चुका, बिल्कुल फ्री करें। नहीं जब तक मैं इन सामान से तो हो चुके हैं ना, होने वाले हैं। फिर हम लैपटॉप भी देख रहे थे, मैंने सिस्टर को लैपटॉप भी दे देते, फिर सिस्टर कह रही है मेरे किसी काम में तो आएगा नहीं लैपटॉप है अम्मी, या यूज में आएगा लैपटॉप बहुत पड़ी भी आ जाता तो यूज में। अरे कुछ काम थोड़े ना, वहाँ पर ये देखेगी हाँ गाइस आज कुकिंग में ये बनानी है, आज वो बनानी है, हाँ मेरे व्लॉग देख ले करेगी, ये भी हो सकता है। ये कह रही कार में हर जगह लेके घूम, हर जगह लेके घूम रहे कह रही सही है। हाँ जो भी है पर इतना यूज में है, सिस्टर बाद में ले लेगी, अगर चाहिए होगा तो हम इसे बाद में दिला देंगे, पर अभी जो जो सामान मेन था ना हमने से वो दिला दिया। सिस्टर खुद ले लेगी? हाँ खुद ले लेगी। अरे यार हमें तुम्हें पूरी डिटेल बता रही हो। सिस्टर के लिए नारियल भी, सिस्टर नारियल भी लो सिस्टर, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो यहाँ पर आ चुका। चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से घर पर, क्योंकि असर की अजान भी हो चुकी है, अब हमें घर पे आके नमाज पढ़नी होगी, काफी टाइम हो चुका है। हम कितने बजे निकले थे अम्मी? 1-2 बजे निकले थे करें, और अब टाइम कितना हो रहा है? 5:15 हो रहा है, तो देख लो कितना सारा टाइम हो चुका है। पर ये है अल्हम्दुलिल्लाह से सारी शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है। हाँ ये है, नहीं तो हम सोचते थे एक जगह और जाएंगे, फिर हमें ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, उन्होंने डिस्काउंट भी कर दिया थोड़ा सा, और हमें फिर अच्छी अच्छी चीजें बता भी दी। तो भाई हमने रोजा इफ्तार भी कर लिया, इफ्तार क्या करा भाई, फिर 2 मिनट रखे थे जब हम घर पर आए थे, तो अम्मी से मैंने लस्सी बनवा ली, फिर यहाँ से मैंने केला मंगा लिया, तरबूज मंगवा लिया था, जल्दी जल्दी से कुछ भी था नहीं घर पर, तो हमने थोड़ा बहुत ही खा लिया था, और मैं नमाज पढ़कर आ चुका। तो अब कर देते व्लॉग का एकदम फर्स्ट कमेंट है भाई, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो और आगे भी ऐसे व्लॉग बनाते रहना इंशाल्लाह। नदीम वायरमान भाई, जीजू बहुत बढ़िया है, शुक्रिया भाई। ये अरमान भाई प्लीज ये तीनों नाम ले लो अपनी वीडियो में, इकरा जिसान अजान हम तीनों सबसे पहले आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है, शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे देखते रहो। आज के बढ़िया थे, तो चलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, चलिए तो लाइक करना कमेंट करना, तो मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में।